यानी कि कहा जाता है कि जितना पाप मन में है सब एक बार निकाल दीजिए, तो उसके बाद यानी कि इसको दूसरी भाषा में ये कहा जाएगा, जितना यहाँ पढ़ी है और जितना लेक्चर सुनी है, वहाँ पेपर आते ही ये भूत जैसे लेक्चर आपके दिमाग में घूमेगा, और जितना आप सुनी है उतना करके आइए, डरिएगा ना। यानी कि आपको सलाह दी जाती है कि जितना आए उतना करके आइए, डरना नहीं है, डर गए तो भाई छोड़ देंगे। बस आपका ये देखना है कि सर ने क्या बताया था, और दिमाग में वो घूमता रहता है, पेपर मिलते ही आपके दिमाग में वो भूत जैसे घूमता रहता है। यानी कि आपका UPAPO में भी यही हुआ था, UPAPO में भाई मैंने काफ़ी समय भी मिला था और खूब पढ़ाया गया, दो दो बार पढ़ाया गया, उसका नतीजा ही यही रहा कि एकदम रटवा दिया गया था APO के लिए, और लोग जाकर आपका जब पेपर हाल मैंने परीक्षा हॉल में बैठे तो सर का लेक्चर ही, लोग कई लोग फोन किए शाम को कि आपका लेक्चर ही दिमाग में घूम रहा था और वहीं काम आया, ये पोथी पतरा काम नहीं आया। तो भाई आपका बैरक से बाहर भी चीजें आ रही है, थोड़ा उसको भी सतर्क रहना है। देखिए एविडेंस में आपका स्टापेल चल रहा था, और स्टापेल में आपका थोड़ा बहुत अभी बचा रह गया है, पहले वह देख लिया जाए, थोड़ा बहुत शार्ट किए हूँ मैं इधर आपका एक दो सेक्शन। इसके बाद आपका स्टापेल में सेक्शन 115 बताया गया था, और उसको कल समझाया भी गया था, और एक उदाहरण देकर हमने समझाया था, यानी कि उदाहरण हमने दिया था आपका TPA की धारा 43 का, उस उदाहरण में आपको सतर्क किए रहना है कि विबंध लागू होता है, यानी कि विबंध से कौन बाध्य होता है, तो जो व्यक्ति कथन किया है या उसका हित प्रतिनिधि, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार कराएंगे दोनों, क्या विबंध का माने विबंध किसी थर्ड पर्सन पर लागू होगा कि नहीं, नहीं होगा, थर्ड पर्सन से कोई मतलब नहीं। इसके बाद आपका 116 धारा आती है, 116 निकाल लीजिए, अभिधारी का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्ति धारी का विबंध, यहाँ जो क्वेश्चन आपका बनता है उसको लिख लीजिए, वंस ए टेनेंट ऑलवेज ए टेनेंट, एक बार किराएदार सदैव किराएदार, एक बार अभिधारी, उसको बेरेक पर लिखिए। तो 116 धारा निकालिए, 116 भाई सिद्धांत पूछा जाता है, सिद्धांत लिखिए उस पर, एक बार अभिधारी सदैव अभिधारी, यानी कि इसको कहते हैं एक बार किराएदार सदैव किराएदार, या वंस ए टेनेंट ऑलवेज ए टेनेंट, सिद्धांत ही पूछा जाता है, एक बार अभिधारी सदैव अभिधारी। अभिधारी मैंने किराएदार हुआ, उसको लिख लीजिएगा भाई, अभिधारी मतलब आपका टेनेंट या किराएदार। यहाँ से जो आपका क्वेश्चन बनता है कि किराएदार का विबंध कहाँ दिया गया है, तो 116 में। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका प्री में बनता है 117 बन जाता है कि उपनिहिति का विबंध या विनिमय पत्र के प्रतिग्रहिता का विबंध, तो कम चांस रहता है, कभी बना नहीं है ज़्यादा। अब देखिए इसके बाद से आपका स्टापेल का सीमाएं और साक्षिक मूल्य में क्वेश्चन बनता है, और कई जगह बिहार उहार में सीमाएं और एविडेंशियल वैल्यू पर भी आपका क्वेश्चन बना है। जहाँ तक विबंध की सीमा की बात है या एविडेंशियल वैल्यू की बात है, तीन चार बातें आपको याद रखनी है कि सरकार विधि के विरुद्ध विबंध लागू नहीं होता, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि विबंध केवल तथ्य के प्रश्न पर लागू होता है, विधि के प्रश्न पर नहीं, यानी कि कानून में जो लिखा गया है
उस विषय पर स्टापेल लागू नहीं होता। तो किस पर केवल लागू होगा? तथ्य के विषय पर। दूसरा जो बनता है कि स्टापेलवाद हेतु उत्पन्न करता है कि प्रतिरक्षा में मान्य होता है, यानी कि तलवार है कि ढाल है, यानी कि आपका दोनों नहीं मारेंगे भाई, यही आपका एक ही विबंध तुम्हें कल बताया था, आपका सभी विबंध थोड़े, फिर एक बार देखिए उसको लिख लीजिए अलग से। तो विबंध प्रतिरक्षा में मान्य है, वाद हेतु उत्पन्न नहीं करता, पहले लीगल भाषा में लिखिए, अलग से एक लाइन लिखिए। तो विबंध प्रतिरक्षा में मान्य है, मैंने डिफेंस कर सकते हैं बचाओ, विबंध प्रतिरक्षा में मान्य है, वाद हेतु उत्पन्न नहीं करता। नोट्स में है, एक बार नोट्स भी पढ़ लीजिएगा, एक दो पॉइंट छोड़ा भी जा रहा है खत्म करने के चक्कर में भाई आपका। दूसरा यहाँ यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि विबंध तलवार नहीं है, तो विबंध क्या है? ढाल है। ढाल मतलब कि आप पर आक्रमण होता है तो आप क्या करेंगे? अपना बचाव, आप मुकदमा दायर नहीं कर सकते इस आधार पर। लेकिन वहीं पूछा जाता है कि कौन सा विबंध का ऐसा प्रकार है जो ढाल भी है और तलवार भी है, यानी कि उसके आधार पर आप मुकदमा भी कर सकते हैं और अपना बचाव भी कर सकते हैं। तो कल काफी लास्ट में बताया गया था कौन सा विबंध का प्रकार, नया विबंध कौन है? वचनात्मक विबंध। तो एक लाइन लिख लीजिए, वचनात्मक विबंध ढाल और तलवार दोनों है। ढाल मतलब बचाव करना, तलवार मतलब मुकदमा करना, ना तो उसको लिख लीजिएगा। ढाल मतलब क्या? प्रतिरक्षा, और तलवार का मतलब वार करना, यानी कि उस आधार पर आप नया क्या कर सकते हैं? मुकदमा। तो कौन सा विबंध ढाल और तलवार दोनों है, यानी कि वाद हेतुक भी उत्पन्न करता है, प्रतिरक्षा में भी मान्य है, ये भी क्वेश्चन अच्छा बना है, तो कौन सा है? आपका वचनात्मक विबंध। वचनात्मक विबंध पर आपका कल अच्छा बताया गया था, और आपका जरूर याद रखिएगा क्वेश्चन बनता है, कौन सा विबंध सरकार के विरुद्ध भी लागू होता है, तो सभी नहीं, एक बस याद करके जाएगा, कौन कल बताया गया? वचनात्मक। अब आइए देखा जाए, आपका 91 और 92 पहले देखा जाए। जहाँ तक 91 और 92 सेक्शन की बात है, आपका एक एक करके इसको पढ़ा जाए, निकाल लीजिए भाई 91 और 92, ये सेक्शन आपका पढ़ाना था। देखिए 91 और 92, एक क्वेश्चन आपका 91 और 92 से आपका बनता है। अब किस राज्य में कैसा क्वेश्चन बना है ये भी हमें देखना है 91-92 से। तो आइए आपका 91-92 से किस राज्य में कैसा क्वेश्चन बना है, यूपी जेएपीओ में कौन सा केस बना है, इसको थोड़ा डिटेल में देखा जाए, और आपका केस भी याद रखना है, और एक समस्या भी बनती है। फिर झारखंड जे में कैसा क्वेश्चन बना वो भी देखना है, मेंस में कैसे बनता है वो भी देखना है, और 91-92 थोड़ा कठिन धाराएं हैं, आप प्रयास करिए अच्छे से समझने का। देखिए न समझ में आए तो उसका हम उपाय बता रहे हैं कि रट्टा मार लीजिएगा 5-6 बातें, मैं उपाय बता रहा हूँ भाई, न समझ में आए तो 5-6 बातें क्या मार लीजिएगा? रट्टा। देखिए कौन कौन सी चीजें रटनी है वो मैं बता रहा हूँ। लिखित को लिखित द्वारा साबित किया जाना चाहिए, ये सिद्धांत किस धारा में है? तो 91 की 92 की, दोनों। तो एक तो रट्टा मारना है दोनों,
इनकी जो बातें किसी डॉक्यूमेंट में लिखी गई हैं, अगर उन बातों के बारे में विवाद उत्पन्न होता है, तो उस बारे में मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, बल्कि उस दस्तावेज को ही न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो जो बातें लिखित में हैं, उसे लिखित द्वारा साबित किया जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये आया, तो कौन सी धारा मारेंगे, 91 और 92, ये रट्टा मार कर जाना है। दूसरा पॉइंट ये आया कि सिविल मामलों की बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कौन सी धारा मानी जाती है, तो आपका जवाब रहेगा 91। कौन सी धारा, 91। 91 की पूरक धारा कौन है, ये 92, यानी कि 92 किसकी पूरक धारा है, भाई घुमा कर भी पूछ सकता है। तो 92 किसकी पूरक धारा है, किसकी सप्लीमेंट्री सेक्शन है, 91 की, या 91 की पूरक धारा कौन है, 92। पूरक धारा का मतलब ये हुआ कि 92 तभी अप्लाई करेगी जब सबसे पहले 91 अप्लाई हो जाए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप मेंस तभी देंगे जब पहले क्या निकल जाए, प्री। तो प्री निकल गया तो 91, और उसके बाद मेंस वाली धारा कौन है, 92। और जब प्री ही नहीं निकलेगा तो मेंस का मुख नहीं देख पाएंगे। उसी प्रकार जब तक कि 91 अप्लाई न हो जाए, 92 अप्लाई होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तीसरा अगला देखिए, 92 की पूरक धारा फिर पूछा जाता है, तो 92 की पूरक धारा रट कर जाइएगा 99, यानी कि 99। तो ये क्वेश्चन, इसके बाद आपका जो पूछा जाता है 91 में, आपका दत्तक ग्रहण का पूछा जाता है। लेकिन अब शुरुआत किया जाए, हाँ, जो झारखंड में पूछा गया था वो क्वेश्चन देखा जाए। अगर दस्तावेज कई मूल प्रतियों में है, यानी कि 3 कॉपी बनी है मूल की, तो कितना कॉपी पेश कर दिया जाएगा तो काम चल जाएगा, एक। सही बता रहे हैं, कितना कॉपी, एक, और तीनों मूल माने जाएंगे, लेकिन कितना पेश कर दिया जाए, एक। तीनों को पेश करने की आवश्यकता नहीं। तो अब आइए शुरुआत किया जाए आपका। देखिए, आपका 91 और 92 को शुरुआत किया जाए, डायरेक्ट अभी थोड़ा समय लगेगा आने में। डायरेक्ट को अभी आने में थोड़ा 10-15 मिनट लगेगा, तब तक सामान्य बातें देखिए भाई, नोट्स में है, आपका नोट्स ले लीजिए जिसके पास एविडेंस का न हो, और नोट्स में ये सब बातें लिखी गई हैं। नई बात एक केवल आपका नहीं है कि बैकबोन किसे माना जाता है, तो बेर एक्ट पर लिख लीजिए कि 91 को रीढ़ की क्या माना जाता है, हड्डी। देखिए आपका सामान्य नियम यह है कि किसी भी बात को या किसी भी तथ्य को या तो ओरल एविडेंस द्वारा, यानी कि मौखिक साक्ष्य द्वारा अर्थात मुख से बोले गए साक्ष्य द्वारा, या लिख लिया दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा। यानी कि सामान्य नियम ये है कि अगर कोई बात न्यायालय में सिद्ध करनी है, प्रमाणित करनी है, तो हम मुख से बोले गए शब्दों द्वारा भी साक्ष्य दे सकते हैं, और ये कागज पत्र पर जो लिखा गया है, यानी कि डॉक्यूमेंट को भी क्या कर सकते हैं, पेश। लेकिन धारा 91 से लेकर 100 तक में जो बातें आएंगी अध्याय 6 में, ये दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन की बात करती हैं। अर्थात इस चैप्टर में ये बताया गया है कि अगर कोई बात दस्तावेज में लिखी गई है, तो उस बात के लिए
मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जाएगा बल्कि वह दस्तावेज ही पेश किया जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि दस्तावेजी साक्ष्य मौखिक साक्ष्य की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, अच्छा माना जाता है। कि किस चैप्टर से निष्कर्ष निकलता है, चैप्टर 6 से, यानी कि ओरल एविडेंस से कौन अच्छा माना जाता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस माना जाता है। तो फिर उत्तराखंड का क्वेश्चन है कि बेस्ट एविडेंस कौन होता है, सर्वोत्तम साक्ष्य कौन होता है, दस्तावेजी मौखिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड पिछली बार ही बना चुका है। तो दस्तावेजी साक्ष्य क्या होता है, बेस्ट एविडेंस होता है। क्यों बेस्ट एविडेंस होता है इस पर हम बताएंगे अभी, इस पर गहन विचार किया जाएगा अभी। लेकिन ये क्या, दस्तावेजी साक्ष्य को जिंदा साक्ष्य की मरा हुआ साक्ष्य कहते हैं, बताया गया था। तो मरा हुआ कि जिंदा, मरा हुआ यानी कि दस्तावेजी साक्ष्य में जैसे कॉपी है इसमें जान नहीं है, तो हम इसे इसे कैसा साक्ष्य कहेंगे, डेड एविडेंस। और जो मैं बोल रहा हूँ इसमें शक्ति लग रही है, तो जब मैं मुख से बोल रहा हूँ वह जीवित साक्ष्य है। और ये जो हम कॉपी से पढ़ा रहे हैं, किताब से या आप लोग लिख रहे हैं, तो ये कॉपी क्या है, मृत साक्ष्य। तो फिर कहानी आ जाइए हाथी वाला, जिंदा हाथी लाख का, मरा हुआ 1.25 लाख का। तो वही याद रखे, जो मरा हुआ साक्ष्य है वह जिंदा साक्ष्य पर भारी पड़ेगा। तो कौन सा अध्याय कहता है कि मरा हुआ साक्ष्य जिंदा साक्ष्य की अपेक्षा सर्वोत्तम होता है, अध्याय 6। और कहां से कहां तक, 91 से लेकर कहां तक, आपका 100 तक। आइए अगला देखा जाए, धारा 91-92 सामान्य नियम बताती है। जबकि दस्तावेजों की व्याख्या का नियम, दस्तावेजों के निर्वचन का नियम, या दस्तावेज का कैसे इंटरप्रटेशन किया जाएगा, इसका उल्लेख 93 से लेकर 100 तक में किया गया है। यानी कि दस्तावेज की गलती भी हमें यहाँ बता देनी है। देखिए किसी भी दस्तावेज में पढ़ा दिया गया है, ये बस एक लाइन समझाने के लिए बताना है, किसी भी दस्तावेज में दो प्रकार की गलती हो सकती है। ये लगातार क्वेश्चन बन रहा है, एक पेटेंट यानी कि प्रत्यक्ष और एक लेटेंट यानी कि अप्रत्यक्ष। मैं बता चुका हूँ, प्रत्यक्ष गलती का मतलब देखते ही मालूम चल जाएगी, और अप्रत्यक्ष गलती दस्तावेज देखने से मालूम नहीं चलेगी जब तक कि उसको धरातल पर लागू न किया जाए। अभी कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया था, तो बताइए सिद्धांत कहाँ दिए, संविधान और राज व्यवस्था में अंतर बताइए, तो प्रिंसिपल कहाँ किस में दिए रहते हैं, संविधान में और कंडक्ट। तो फिर वही गलती को तोड़ लीजिए, सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति दस्तावेज को पढ़ता है तो उसमें उसे कोई गलती दिखाई नहीं देती। लेकिन जब उस दस्तावेज को कहाँ अप्लाई करता है, कंडक्ट या व्यवहार में, तब गलती मालूम चलती है। तो इस गलती को प्रत्यक्ष गलती कहते हैं कि अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष अंतर्निहित इनहेरेंट त्रुटि, संदिग्धता या मिस्टेक या गलती। तो आपको बताया गया था प्रत्यक्ष गलती 93-94, अप्रत्यक्ष गलती 95-96-97, प्रत्यक्ष गलती को नहीं सुधारा जा सकता लेकिन अप्रत्यक्ष गलती को सुधारा जा सकता है। बिहार मेंस में भी आया था और हमेशा प्री में आता है, घोड़ा वाला फिर पूछा था बिहार में भी कि ए बी को अपना घोड़ा बेचता है और दाम कहता है या तो मैं 1500 में बेचूंगा या 1000 में। तो बताइए कीमत निश्चित है कि 1500 में बेचेगा कि 1000 में। तो ये
क्या इस गलती को सुधारा जा सकता है कि नहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो कोई भी व्यक्ति का देखेगा, दस्तावेज तो बता देगा कि इस दस्तावेज में क्या है गलती। फिर बैक हो जाइए 91, जो 92 में सिद्धांत है वह आपका सिद्धांत हमने बताया। अब ये है कि आखिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को या दस्तावेजी साक्ष्य को आपका कह सकते हैं कि मृत साक्ष्य या डेड एविडेंस होते हुए भी सर्वोत्तम क्यों माना गया है, इस बात पर चर्चा की जाए। इसलिए माना गया है कि इसमें अस्थायित्व होता है, जैसे कि हम मुख से बोले इसमें अस्थायित्व नहीं है, लेकिन आप जो लिख रहे हैं उसमें क्या होता है, अस्थायित्व होता है। वह परपिचुअल काल तक चल सकता है, लंबे काल तक चल सकता है। आप ले जाकर घर पर भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए लाइव क्लास नहीं चलता तो यहाँ बोला जाता और हवा में आवाज क्या होती उसके बाद उड़ जाती। तो किसमें अस्थायित्व होता है, मौखिक साक्ष्य में कि दस्तावेजी? इसलिए दस्तावेजी साक्ष्य क्या माना जाता है मौखिक की अपेक्षा सर्वोत्तम। दूसरा देखिए, विश्वसनीयता। मौखिक साक्ष्य में कब आदमी पलटी मार जाए, यानी कि कब आदमी अपने बयान से मुकर जाए, कोई भरोसा नहीं। जैसे कि मैं ही कभी पप्पू गप्पू सप्पू पिंटू कह देता हूँ, या आपका बुआ बबुआ, तो मैं ही अपनी बातों से क्या होता हूँ, मुकर जाता हूँ। तो मौखिक साक्ष्य में मुकरना क्या है, आसान है, लेकिन आपका यानी कि मौखिक साक्ष्य उतना विश्वसनीय नहीं होता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपनी बातों से कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन एक बार जब दस्तावेज पर लिख दिया गया तो उससे पलटना क्या होगा, मुश्किल। अब स्टापेल का थोड़ा नियम कल बताया गया था, जोड़िए। अगर कोई व्यक्ति किसी दस्तावेज पर कुछ बातें लिखा है और वह उससे मुकरना चाहता है तो कानून उसके मुख को बंद कर देगा, विबंधित कर देगा, स्टापेल लगा देगा, रोक देगा। तो इस विबंध को कौन सा विबंध का प्रकार हमने बताया था, अभिलेख द्वारा कि विलेख द्वारा कि आचरण द्वारा कि वचनात्मक विलेख, किसके द्वारा? यानी कि अगर आप दस्तावेज या विलेख में कुछ बातें लिखे हैं दस्तावेज में और मुकरना चाहते हैं तो मुकरने से क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। कौन सा विबंध हुआ आपका, विलेख द्वारा। और विलेख द्वारा विबंध कल टीपीए की धारा भी बताई गई थी अच्छी, 43, फीडिंग द ग्रांट बाई स्टापेल। देखिए आगे भाई, तीसरा तीसरा देखिए, एक तो पहला हो गया अस्थायी तो इसलिए सर्वोच्च है, दूसरा विश्वसनीयता इसलिए सर्वोच्च है, तीसरा आपका दस्तावेजी साक्ष्य में मौखिक साक्ष्य को अपवर्जित करने यानी कि बाहर का रास्ता दिखाने की शक्ति होती है, तो कौन सी धारा, कौन सा अध्याय शक्ति देता है एविडेंस का कि दस्तावेजी साक्ष्य है, तो वह मौखिक साक्ष्य को कहाँ कर देगा, बाहर कर देगा। तो कौन सा अध्याय है, 6। और अगला, सत्य का निर्धारण करना दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा आसान होता है, मौखिक साक्ष्य द्वारा कठिन होता है। इसलिए दस्तावेजी साक्ष्य को कौन सा साक्ष्य माना गया है, बेस्ट एविडेंस। अगला ये 91 और 92। अब आइए, दस्तावेजी साक्ष्य यानी कि लिखित को लिखित द्वारा ही साबित किया जाए, इस बात का आपका प्रमाण दिया गया। केस पहला हम बता रहे हैं, काशीनाथ बनाम चंडी चरण, मंडी चरण नहीं काशीनाथ, पहला केस जो याद करना है, तीन चार केस याद करना है, काशीनाथ बनाम चंडी चरण। चंडी का नाम सुने हैं ना, चलिए बताने के बताएं कि याद है चंडी भाई, न जानती हूँ तो बताइए, उसको बताया जाए।
चंडी का रूप धारण औरत ने कर लिया, यानी कि काली जी का रूप धारण कर लिया। देखिए आपका काशीनाथ बनाम चंडी चरण, काशीनाथ बनाम चंडी चरण के वाद, ये 1866 का वाद है, यानी कि एविडेंस के बनने से पहले का ये वाद है, और ये प्रीवी काउंसिल का मुकदमा है। एविडेंस 1872 में बना, और ये केस कब का है, 1866 का, प्रीवी काउंसिल। तो बताइए प्रीवी काउंसिल फिर संविधान में कल बताया भी जाएगा, तो प्रीवी काउंसिल के निर्णयों को किस अनुच्छेद के तहत प्रश्रय दिया गया है, 395। कल हम बताएंगे भी संविधान में अभी 393, 394, 394, 395। कल संविधान में ये चारों अनुच्छेद पहले क्या करने हैं बताने हैं, तब सबसे पहले संविधान की विशेषता बताई जाएगी, ताकि उत्तराखंड में भी आपका 3-4 क्वेश्चन जीएस में आ जाए। संविधान की विशेषता का मतलब ये हुआ कि संविधान में क्या क्या हमारी अच्छाइयाँ हैं, ये कम से कम 2 लेक्चर लगेगा। देखिए आपका काशीनाथ बनाम चंडी चरण के बाद में यह कहा गया कि जो कुछ लेखबद्ध है वह स्वयं लेख द्वारा साबित किया जाए, यह सिद्धांत और नीति यानी कि प्रिंसिपल और पॉलिसी दोनों का प्रश्न है, यानी कि यह सिद्धांत का भी प्रश्न और यह नीति का भी प्रश्न है कि लिखित को लिखित द्वारा ही क्या किया जाए साबित। तो किस केस में कहा गया कि यह प्रिंसिपल और पॉलिसी दोनों का क्वेश्चन है कि लिखित को लिखित द्वारा साबित किया जाए, तो काशीनाथ बनाम चंडी चरण। तो सिद्धांत का प्रश्न कैसे है भाई, नीति, अब दोनों समझना है, आखिर ये प्रिंसिपल का प्रश्न कैसे हुआ, सिद्धांत का कैसे मामला हुआ कि लिखित को लिखित द्वारा साबित किया जाए। तो सिद्धांत का प्रश्न इस आधार पर है कि आपका कि जो दस्तावेज होती हैं उसकी उत्पत्ति ही ऐसी होती है कि वह विश्वसनीय होती है, और दस्तावेजों को कानूनन बेस्ट एविडेंस माना जाता है। तो आपका फिर एपीओ मेंस में इस बार आया था कि साक्ष्य विधि का सिद्धांत क्या है, सामान्य नियम क्या है, तो साक्ष्य विधि 3 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला, बेस्ट एविडेंस पेश करिए, और बेस्ट एविडेंस कौन होता है, दस्तावेजी की मौखिक दस्तावेजी, तो बेस्ट एविडेंस पेश किया जाए, ये सिद्धांत का प्रश्न है। और नीति का प्रश्न क्या है कि अगर बेस्ट एविडेंस को काटने के लिए निकृष्ट एविडेंस यानी कि गौण साक्ष्य या सेकेंडरी साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य देने दिया जाए, तो यह दस्तावेज ही बेकार हो जाएगा। अतः कानून ये नीति का भी प्रश्न बनाता है कि दस्तावेज बेकार न हो, अतः दस्तावेज में हेर फेर करने के लिए मौखिक साक्ष्य देने से क्या किया जाए, रोक दिया जाए। इसके बाद आपका अब सेक्शन तोड़ा जाए और सामान्य बातें हो गई, अब बेरेक की भाषा निकाल लीजिए और देखिए आपका उसमें हम एक दो टेक्निकल बातें निकालेंगे और कौन सी बात आपको पकड़नी है 91 में। देखिए आपका भाई अब बैरेट निकाल लीजिए सही रहेगा। दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों तथा संपत्ति के अन्य बयान के निबंधनों का साक्ष्य, निबंधन ना आए तो शर्त लिख लीजिएगा, कंडीशन शर्त, निबंधन ना आए तो आप क्या लिखेंगे, शर्त लिखेंगे। अब देखिए बेरेट कैसे तोड़ा जाता है, आप भी घर पर ऐसे ही पढ़िएगा तोड़ कर एक एक शब्दों को। देखिए आपका भी कर्तव्य है कि जो शब्द मैं तोड़ रहा हूं आप भी वैसे ही एकदम पढ़िएगा। देखिए आपका एक
जबकि किसी संविदा यानी कि 91 किस मामले में लागू होगी, संविदा या कॉन्ट्रैक्ट के मामले में। दूसरा, जबकि किसी संविदा के या अनुदान के यानी कि ग्रांट, तो 91 अनुदान के मामले में लागू होगी कि नहीं, होगी ग्रांट के मामले में, या संपत्ति के किसी अन्य व्ययन यानी कि संपत्ति का क्या हुआ है अन्य व्ययन। तो आप लोग बताइए एक दो उदाहरण। तो संपत्ति का अन्य व्ययन, व्ययन मतलब डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ मतलब कि संपत्ति एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को दिया है, तो विक्रय हो गया, दान हो गया, पट्टा हो गया, बंधक हो गया, आपका ये सब क्या माने जाएंगे, संपत्ति के क्या माने जाएंगे, अन्य व्यय। के निबंधन यानी कि इनके निबंधन का मतलब क्या हुआ, इनकी शर्तें। दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिए गए हो यानी कि इनकी शर्तें किसमें लिख ली गई हैं, दस्तावेज किसमें लिखी गई हैं, तो क्या लिखी गई है इनकी शर्तें। अगला देखिए, कल इसको पढ़ा जाएगा भाई, थोड़ा दिक्कत आ रही है बोलने में, फ्लो भी नहीं बन पा रहा है जबरदस्ती ना पढ़ाया जाए, क्योंकि तो भाई फ्लो बन नहीं पा रहा है। और देखिए भाई, जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कल इसको हम खत्म करेंगे, जबरदस्ती भाई नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि थोड़ा अनुदान माने ग्रांट, जैसे अनुदान दिया जाता है ना, फ्री का चंदन है घासा रघुनंदन ना, है तो उसको लिखे। जैसे गैस पर अनुदान सरकार देती थी, अनुदान का मतलब ही बताया जाएगा कल, अनुदान जैसे कि सब्सिडी, उसको लिख लीजिए, तो सब्सिडी होता है भाई। तो कल आपका देखिए, आपका जो शेड्यूल रहेगा, पहले संविधान चलेगा, उसके बाद आईपीसी एविडेंस चलाया जाएगा, बता देंगे। तो आपका एविडेंस वाले 10:30 बजे आए, पहले संविधान चलेगा और एविडेंस 10:30 बजे ही चल पाएगा, उसके बाद आईपीसी चलाया जाएगा। कल थोड़ा भाग दौड़ ज्यादा हो गई थी शरीर भाई एकदम आपका। अब देखिए, अकेले हर एक काम, घरेलू काम, बाहरी काम, भाई कोचिंग पढ़ाना, तो थोड़ा बहुत समस्या कभी काल हो जाती है, इसमें शक नहीं है, इसके लिए हमें भी खेद है भाई। तो आपका ये लाइव क्लास पढ़ने वालों को ही बताया जा रहा है भाई, आपका अगला क्लास कल चलेगा, कुछ कारणों से क्लास रोकी जा रही है।